जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता ने गुरुवार को नंदा नगर में राशन की दुकान से हो रहे राशन वितरण का जायजा लिया। इस दौरान डीएम के विजयन पांडेयन ने कोटेदार को निर्देश दिया कि सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित करें। इसके अलावा डीएम और एसएसपी ने वनटांगिया गांव, तिकुनिया 3 व झगहा के क्षेत्र के मुधार गांव में जाकर लोगों को लॉकडाउन का पालन करने और साफ सफाई रखने को जागरूक किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता ने लोगों को मास्क एवं स्वच्छता किट भी प्रदान किया। इससे पूर्व जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने डुमरी खास के सेंट जोसेफ जूनियर हाई स्कूल में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर का भी निरीक्षण कर वहां रह रहे लोगों से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जगह जाते समय रेलवे क्रॉसिंग के पास रह रहे 9 परिवार को राशन भी वितरण किया। इस दौरान संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। जो चीज समस्या तो बता दे, हम लोग हल कर लेंगे। आपके साथ ही ये जो जिला प्रशासन है, मेडिकल टीम आई हुई है, हमारे एसडीएम साहब है, तहसीलदार साहब है, डॉक्टर साहिबान सभी लोग हैं। ये घर जाकर के एक बार चेक कर लेंगे। किसी का अभी तकलीफ है, अभी तो मान लीजिए किसी का बुखार है, सर्दी है, जुकाम है, आप आकर के डॉक्टर साहब को बता सकते, नहीं तो डॉक्टर साहब को घर आकर के बता देंगे। आप घर में जो जाबकार किसी के पास है, ताकि ये शहरी क्षेत्र है, संभवतः ये नहीं होगा, नहीं तो और कोई लेबर है, रजिस्टर्ड लेबर है, उनको मुफ्त में मिलेगा। यानी आज केवल अंत्योदय कार्ड आला दे दे, देखिए दूरी नहीं बनाएंगे, आज नहीं बटेंगे, फिर घर जाए, फिर हम घर में भिजवा देंगे। चलो ठीक अब वही रहिए, यहाँ मत आइए। धोती से मुंह ढको चाची, धोती से अपनी जगह खड़े रहो, नहीं देंगे नहीं। चलो दूर दूर खड़े, दूर खड़े, दूर खड़े, अपनी जगह खड़े रहो। आपका दुपट्टा हल्का, तुम्हारा दुपट्टा ठीक है? हाँ, साड़ी हल्की है। माता जी पहले अमर काम चला, जो अपनी जगह खड़ा रहेगा पाएगा। दूर 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 से बात करो, लगा पहले अपने ये हाथ धोने के लिए तुमने व्यवस्था नहीं की है भाई। सुनो कहाँ है, दूर रहो, दूर दूर खड़े हो, दूर है। कितने यूनिट है आपका? अंत्योदय केवल बांट रहे हो, अंत्योदय दूर रहो। कितने कितने हैं कुल मिला के? 800 अंत्योदय कितना है? ये पीछे कर दें, इधर इधर कर लें, उनका दुकान टेबल यहाँ डालनी चाहिए उसको, तो यहाँ पूरा खड़े हो जाएंगे। सही बात है, इधर आओ, इधर लगा दो भाई टेबल, इधर आओ, इधर इधर से आने में सर दिक्कत हो जाएगी ना सर, इधर ज्यादा करो। इतने 39:30 सवेरे 6 बजे कर लो, फटाफट कर लो, निकाल जाइए, आप लाइन पे रह जाइए। आप इस पे तो यदि आप भीड़ लगाएंगे तो फिर राज नहीं बटेंगे, तो फिर सबको यहाँ से रवाना कर देंगे। 3 दे दीजिए सर, लो पकड़ो, तुम शाही पे बटा दो भाई, लोग छाया में जल्दी जल्दी करो ना, बंटे में बना इसको, कोई तनाव पे तो लगा दो, इधर सामने ही जूसी रोड पे कहीं बाइक बाइक निकलता है उसको, एक बल्ली बात बल्ली में लगा दो ताकि तो निकल ना पाए। कभी ये लो जुकाम बुखार आता तो जरूर और सबको पहना दे, बाहर नहीं निकलने का, हम लोग बाहर नहीं निकलते, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, नहीं बच्चे भी बाहर, दूसरे बच्चे भी बाहर, मत के 14 दिन रहो, ठीक रहो, 5 दिन हो गया, कब आए हो?
इन लोग बाहर से आने वाले व्यक्ति ये इन लोग खतरे यहाँ नहीं निकलेंगे, ठीक है, यही रहना है। लेकिन इन लोग अच्छा से अच्छा से हाथ धो लो, सैनिटाइजर से एक पे दो बार अच्छा से धो के फिर इसमें सड़क में राशन यही मिलेगा, पहने रहना है। ये वायरस है यानी जो ये क्रीमी है, एक आदमी से दूसरा आदमी कभी बात करता है उसके लिए तो हम जेल में जाएंगे, फिर डंडा भी लटकाएंगे, है ना। ये तो उसको प्रशासन को पालन दूरी थोड़ा फैला के दूरी फैल के बता, पुस्तक मिलता तो हाथ धोते रहना है ताकि ये आपको नहीं पता है ये कहीं लगा हुआ वो जो कोरोना आपका हाथ में है क्या नहीं। तो एक ही चीज से आप हाथ बार बार धोते हो तो कोरोना को चार दिन के अंदर 3,500 लोग को फैलता है और 10 दिन के अंदर 1,00,000 लोग को फैलता है। एक आदमी यदि इसी गांव में बीमार पड़ जाता है एक ही सप्ताह के अंदर पूरे गाँव वाले बीमार हो जाते हैं। निकलना April 14 तक सभी लोग का घर का अंदर ही रहना है, उसी की वजह क्या होता है ये जो थूक है जो वायरस है जो क्रीमी है बाहर पड़ा रहता है अपने आप में धूप में मर जाता है। अब एक आदमी कोई नजदीक में नहीं जाता है अपने आप मर जाता है, यदि आदमी नजदीक में जाता है आदमी के साथ चिपक जाता है फिर आपके साथ ही घर आएगा, आपके साथ आप जो तब तक भोजन निजन करोगा दूरी बनाए रखना है इसलिए घर से बाहर नहीं निकलना है। और दूसरा चीज है आपका हाथ बार बार धोना, आप कतई बाहर ना निकले April 14 के बाद जाए सब तुम चाहते क्या गैस गैस चाहते हो तो लकड़ी चाहते हो गैस भरवाना है पहले गाड़ी मंगवा यार गाड़ी सर इस महीने 1 तारीख से शुरू हो गया सर। बाहर से कौन आए हैं यार जो गोरखपुर से बाहर से जरा हाथ उठा ले। आप कहाँ से आए बेटा? सर कपासरा बॉर्डर दिल्ली। दिल्ली से बढ़िया। और कोई बाहर से आए हैं? नोएडा से। अपने आप को बचा के रख, अगर वो कहीं आपके बस पर बैठा है आप भी उसी बस में बैठ के आए हैं, आपने उस बस का हैंडल पकड़ा है और फिर आप अपने मुंह पर हाथ ले गए होंगे तो संभावना होती है वो कम से कम 14 दिन में क्लियर हो जाए। मास्क नहीं पहले अपन महसूस करते होंगे बट देखिए ये आपके भले के लिए आपके परिवार के भले के लिए, यहाँ कोई भागने के लिए बाहर करेगा जेल में डालेंगे, जेल में अलग क्वारंटाइन की व्यवस्था कर रखा है।